तेजस्वी यादव जात के मामले में बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, ये लोग हाँ क्राइम पर बोले तो ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव और विकास के मॉडल की चर्चा करें ये हास्यास्पद लगता है। 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि GDP क्या है और GDP ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था, और 6 महीना में अब उनको कतलखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाए महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचटी न्यूज। प्रशांत किशोर अब फुल एक्शन मोड में है, फुल चुनावी मोड में है, अब मीडिया से बातचीत कर रहे हैं लगातार और बिहार की राजनीति से जुड़े बयानबाजियां भी कर रहे हैं। अब इस बार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को आरे हाथों लिया है। तेजस्वी यादव को आरे हाथों लेते हुए उनको कहा है कि तेजस्वी यादव विकास की बात करें तो उस पर क्या ही बात की जाए, तेजस्वी यादव अगर बात करेंगे अपराध की बात करेंगे, माफिया की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो उनपे जवाब भी उनको दिया जाएगा, लेकिन उनके मुंह से विकास की बात कहां तक सही लगती है। इस पूरे मामले पर पहले प्रशांत किशोर की बातों को सुनिए, उसके बाद फिर विस्तार से मामले को समझते हैं। ऐसा है मेरे भाई, तेजस्वी यादव की कितनी समझ है उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, ये लोग हाँ क्राइम पर बोले तो ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव और विकास के मॉडल की चर्चा करें ये हास्यास्पद लगता है। इनके घर इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि GDP क्या है और GDP ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। क्राइम का जहाँ तक बात है तो इतना ही कहूँगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था, और 6 महीना में अब उनको कतलखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाए महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा। तो देखा आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के ऊपर हमलावर है। तेजस्वी यादव के ऊपर हमला करते हुए वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब बात करेंगे विकास की तो कैसे होगा। प्रशांत किशोर की माने तो तेजस्वी यादव का विकास से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा है, और इस बात को लेकर प्रशांत किशोर लगातार हमले भी करते रहे हैं, जुबानी हमले भी प्रशांत किशोर करते रहे हैं। लगातार लालू यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तेजस्वी यादव के ऊपर कई तरह के आरोप लगाते रहते हैं। आपने देखा किस प्रकार से जब पिछली दफा प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस दरमियान उन्होंने कई तरह के एलिगेशन तेजस्वी यादव पर लगाया था, और अब प्रशांत किशोर सीधे यही कह रहे हैं कि उनका जो लड़ाई है वो BJP से है, राजद को वो अपने रास्ते में मानते ही नहीं, अपना प्रतिद्वंदी मानते ही नहीं। उनका कहना है कि जो राजद का वोटर था वो मेरा वोटर है, तो राजद से मेरा कोई लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई अगर किसी से है तो वो BJP से है। अब प्रशांत किशोर के इन दावों में कितना दम है ये भी बहुत जल्द खुलेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने आगामी 2024 में जो बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर ताल ठोका है। अगर ऐसे में प्रशांत किशोर एक भी सीट पर अपना दबदबा दिखा पाते हैं तो प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में मुख्य योद्धाओं में से एक गिने जाएंगे।